हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू थी, मैंने इसको नेम दे दिया है y। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है dy/dx, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इतना क्लियर दिख रहा है कि आपके पास फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है एंड उनके ऊपर पावर क्या है, 2, 3, 4। सो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई वे में लाने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज यू हैव टू टेक लॉग बोथ द साइड्स। सो मैं यहाँ पे वही करने जा रही हूँ। सो लॉग वाई, लॉग पूरी इस टर्म्स के साथ इन फंक्शंस के साथ आ जाएगा लाइक दिस। देन इसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी लॉग रिजल्ट, जो कि कहता है कि अगर आपके पास वैल्यूज कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, सपोज एक एक्स फंक्शन है एक वाई फंक्शन ले लो, तो इनको आप स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर जितने मर्जी प्रोडक्ट फॉर्म में हो आप उनको स्प्लिट करके प्लस के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। सो यहाँ पर लॉग वाई एज इट इज़, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। सिंपली आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट लॉग रिजल्ट अप्लाई होगा यहाँ पर और यहाँ पर भी। और वो कैसे, जब भी आपके पास लॉग में इस तरह की फॉर्म आती है, दैट इज पावर की फॉर्म में आता है कुछ, तो पावर जो होती है वो उठ के आगे आ जाती है, दैट मीन्स एन आगे लॉग एम एज इट इज़। तो यहाँ पर 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, तो यहाँ पर आपका लॉग रिजल्ट अप्लाई होगा। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे 2 लॉग एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लॉग एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 4 लॉग एक्स प्लस 5 हो जाएगी वैल्यू, राइट। इतना आपको क्लियरिटी है, राइट। सो यहाँ पर अब आपको करना है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड आपको वैल्यू अपनी मिल जाएगी। सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे लॉग की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। देन वाई का भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा क्योंकि एंगल एक्स नहीं है, सो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इसका होगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको dy/dx, ठीक है। तो 2 एक कांस्टेंट टर्म है, उसको ट्रीट करो कांस्टेंट की तरह। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, लॉग का। सो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये जो भी वैल्यू है एंगल में वो नीचे चली जाती है। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस अगेन, क्योंकि एंगल सिंपल एक्स नहीं है, सो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा एक्स प्लस 3 का, जो कि आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, नीचे एक्स प्लस 4 एंड यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाद में, अगेन वैल्यू 1 एंड सेम फॉर हेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास कुछ वैल्यू इस तरह से, इस y को उधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या रह जाएगी, dy/dx। और y की वैल्यू क्या है, पूरी ये टर्म आपको यहाँ पे जब y शिफ्ट हो रही है तो पूरी y की टर्म यहाँ पर आपको ये लिखनी है दोबारा से। सो दैट मीन्स x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 टू द पावर 4, ये होगी टर्म y की जो आपने यहाँ पे शिफ्ट की, और ये भी टर्म एज इट इज साथ में, दैट इज 2/x + 3, 3/x + 4 प्लस 4/x + 5। तो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी है अगर आपको लॉग रिजल्ट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास ये टर्म थी, मैंने इसको नेम दे दिया है y। तो यहाँ पर आपके पास अब देखो एडिशन में है, एक फंक्शन ये है देन एक फंक्शन ये है। डेफिनेटली आप इसको अलग अलग सॉल्व करो, एक ही पेज में एक ही लाइन में आपको हॉच पॉच नहीं करना है, और ना ही यहाँ पे आपके एक ही बारे में सॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो ये लॉग की हेल्प से ही सॉल्व होते हैं। तो इसलिए हम इसको नेम दे देंगे यू और इसको नेम दे देंगे वी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो मेरी डिफ्रेंसिएशन की वैल्यूज़ चाहिए मुझे किस तरह से, क्योंकि अगर इसको डिफ्रेंसिएशन करूँगी मैं तो मेरे पास dy/dx वैल्यू आएगी, यहाँ पर du/dx
प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यूज मुझे कहाँ से मिलेंगी, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, जो कि मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी एंड यहाँ पर, सो वापस से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी फाइनल, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यू की टर्म को लिख रही हूँ और उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। सो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, सो यहाँ पे लॉग यू हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर आपके पास लॉग में ये पूरी वैल्यू है, पावर है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे भी वो रिजल्ट यूज होगा आपका, दैट मीन्स लॉग एम टू द पावर एन, जिसको हम लिख सकते हैं एन लॉग एम। यहाँ पर एक्स आपकी जो पावर थी वो आगे आ चुकी है, लॉग के एंगल में अब वैल्यू क्या दिख रही है कुछ इस तरह से। तो ये एक फंक्शन मानो, ये पूरा एक फंक्शन है आपका, तो इसको सेकेंड टर्म मान लो। यहाँ पर लगेगा अब आपका प्रोडक्ट रूल, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे वैल्यू आएगी वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन अब इसका करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पर मैं एक एक स्टेप नहीं लिखने वाली हूँ कि यहाँ पर मैं डी बाई डी एक्स इसका करूँगी, देन इसका करूँगी, देन इसका करूँगी, ठीक है। तो अब आपको थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ानी है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं आपके क्लास ट्वेल्थ में, इनमें कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, ठीक है। तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो हैंड है क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना क्लियरिटी आपको आएगी, राइट। सो आई होप इतना आपको पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी एंगल में होती है वो वैल्यू कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो ये पूरी वैल्यू उठ के नीचे आ चुकी है। अब एंगल का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो यहाँ पर एक्स का जो होगा डिफरेंशिएशन, वहाँ से वैल्यू मिलेगी वन। एंड यहाँ पर ध्यान से देखो, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, तो इतना आप नोट कर लो। तो आप अगर इसको ट्राई करके देखेंगे घर पे, इस 1 अपॉन x वैल्यू का डिफरेंशिएशन करके, तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ पे इतनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन रूल अप्लाई करके प्रॉपर से इसको नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि आपका 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि क्लास 11th आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, राइट। सो इतना आपको ध्यान में रखना है, और आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं और अपने फॉर्मूलेज में लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो सो मैंने डिफरेंशिएशन करना था इस एंगल का, तो वैल्यू एक्स के लिए तो 1 आ गई, तो इसका जब मेरे को डिफरेंशिएशन करना था तो प्लस की टर्म अब माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी। नाउ सेकेंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट टर्म का, सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1। सो यहाँ पर इस टर्म का भी आप एलसीएम लेके लिखो और यहाँ पे भी इस टर्म का आप एलसीएम लेकर सॉल्व करो। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं क्लियरली करके दिखा रही हूँ। सो जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास इस तरह से टर्म्स आएंगी। सो बेस में जो वैल्यू थी आपने उसका एलसीएम किया लाइक दिस, तो आपके पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ पर जब आप इस टर्म को रेसिप्रोकेट करेंगे फाइनली, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर ही रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वैल्यू ऊपर जाएगी, x की टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में ही रह जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको क्लियरली करके दिखाती हूँ। सो x डॉट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, नीचे है एक्स स्क्वेयर यहाँ पर, और यहाँ से वैल्यू क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये जो x है वो भी यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लियरली x से x कैंसल हो रही है वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू क्या बची है, यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और नीचे से एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यू की टर्म उधर शिफ्ट करोगे, तो यू की टर्म यहाँ पर जब शिफ्ट होगी तो यू की वैल्यू आपको यहाँ पे वापस से लिखनी है। तो यहाँ पर मैं यू की वैल्यू लिख रही हूँ, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, और ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पे आपके वैल्यू आ चुकी है डी यू अपॉन डी एक्स की। अब आपको फाइंड करनी है डी वी अपॉन डी एक्स। सो ये आपकी टर्म है v की, इसमें लगेगा लॉग बोथ दी साइड्स, तो आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरह से आएंगी। यहाँ पे अगेन लॉग रिजल्ट का यूज होने वाला है, पावर वाला, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आगे आ जाएगी। यहाँ पर अब आपके पास एक टर्म ये है एंड एक फंक्शन आपका ये है,
तो इसको मान लो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के साथ ही वैल्यू सॉल्व होगी। तो नेक्स्ट पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट रूल की हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दो, डिफ्रेंसिएशन जब इसका करोगे सेकेंड टर्म का तो आपके पास वैल्यू आएगी वन अपॉन एक्स प्लस नाउ लॉग एक्स, सेकेंड टर्म एज इट इज लिख दो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज वन का डिफ्रेंसिएशन होता है जीरो एंड वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ चुकी हैं। डी वी अपॉन डी एक्स को यहीं पर रहने दो और वी को कर दो यहाँ पे शिफ्ट। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं आपकी पूरी प्रोडक्ट में है, यहाँ पे इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी एक्स प्लस वन एक्स और नीचे ये एक्स ऑलरेडी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वेयर, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है प्लस लॉग एक्स के साथ क्या है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रही हूँ। इतना आप ध्यान से देखो कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वेयर, तो बेस सेम है यहाँ पे, इनको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ। एंड फाइनली वी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो फाइनली आपका डी वी अपॉन डी एक्स आ चुका है। तो यहाँ पे एक्स की पावर में वन प्लस वन अपॉन एक्स वी की वैल्यू है और ये प्रोडक्ट में इसके साथ एज इट इज। तो सिंपली अब आपको वैल्यूज पुट करनी है इसमें एंड यू फाइनली गॉट योर आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।